नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन चल रहा है। इसका हर सीजन बेहद शानदार होता है। शो में कंटेस्टेंट अपने ज्ञान के बल पर लाखों करोड़ों धनराशि जीत कर जाते हैं। ऐसे में शो का बीता एपिसोड भी काफ़ी दिलचस्प रहा। बीते दिन अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर गुजरात की चुड़ासमा वैशाली कांजीभाई बतौर रोल ओवर कंटेस्टेंट नजर आई। वैशाली पेशे से स्टूडेंट है, जो खुद से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाती है। वैशाली 6 सवालों के सही जवाब देकर पहले ही 20,000 रुपये जीत चुकी थी। उसके बाद सामने आया 7वां सवाल, जो कि 40,000 रुपये का था। इस सवाल का जवाब वैशाली ने बड़े ही आसानी से दिया। इसके बाद बिग बी ने उनसे 80,000 रुपये का सवाल पूछा, जो सचिन तेंदुलकर से जुड़ा था। इस सवाल का जवाब भी वैशाली ने बड़े मंथन के बाद सही गेस किया, 80,000 रुपये का सवाल था। 2023 में मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इनमें से किसे राष्ट्रीय आइकॉन की उपाधि दी गई थी। इस सवाल के लिए 4 ऑप्शंस थे, आशा भोसले, उस्ताद अमजद अली खान, सचिन तेंदुलकर या रणवीर कपूर। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैशाली ने शो से 12,50,000 रुपये की राशि जीत कर गई। वे 25,00,000 रुपये के लिए पूछे गए सवाल पर जवाब पता न होने के कारण खेल कूद कर दिया। दोस्तों, वैशाली के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।